तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। मैं लेकर आया हूँ एक अमेजिंग सा वीडियो, तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आज के इस वीडियो में लाइटर के हेल्प से मात्र जो 10 रुपए का लाइटर आता है, हम उसकी हेल्प से हम एक सोल्डरिंग करने के लिए एक जुगाड़ बनाएंगे। नॉर्मल जो सोल्डरिंग मशीन आती है वो 75 से 100 रुपए में आती है, वो भी बिल्कुल चीप क्वालिटी की आती है, और उसके बाद जो उसके वायर आते हैं उसका कॉस्ट अलग से लगती है। तो हमें सिर्फ 10 रुपए का लाइटर लगेगा और 5 रुपए की जो सोल्डर वायर आता है वो मात्र 15 रुपए में हमारी सोल्डरिंग करने की जुगाड़ पूरी हो जाएगी। तो आप वीडियो को पूरा देखना, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके पास में लगी घंटी को भी बजा दीजिए। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल में देख लिया होगा, हम लाइटर के हेल्प से सोल्डरिंग मशीन की जुगाड़ टाइप का कुछ बनाएंगे। तो हमें सबसे पहले सोल्डरिंग मशीन बनाने के लिए लाइटर से हमें एक लाइटर की हेल्प होगी। मेरे पास ये बड़ा वाला लाइटर है थोड़ा, मगर इसके जगह हम इस छोटे लाइटर का भी यूज़ कर सकते हैं, मगर ये जो मैंने एक स्नो स्प्रे वाला वीडियो बनाया था तो ये उसके अंदर यूज़ कर लिया था, तो इसके अंदर जो पूरा मैकेनिज्म रहता है वो कुछ भी नहीं है और बाकी, तो इसलिए मेरे पास जो ये बड़ा लाइटर था मैं आपको इसके अंदर बना के बताऊंगा और इसके अंदर यूज़ करके बताऊंगा। उसके बाद वीडियो के एंड में आपको मैं इसके अंदर कैसे बनाना है नॉर्मल यहाँ पर लगा कर बता दूंगा किस तरह से बनाना है आपको। आपके पास कोई सा भी लाइटर हो, फिर चाहे ये हो या फिर ये वाला हो, दोनों में मैं आपको बता दूंगा, मगर वर्क इसमें मैं आपको करके बताऊंगा क्योंकि इसके अंदर गैस और कुछ भी नहीं है। इस लाइटर से आपको सोल्डरिंग मशीन की जुगाड़ टाइप का कुछ है हम बना लेंगे। तो हमें बनाने के लिए सबसे पहले लाइटर की ज़रूरत होगी, उसके बाद ये सोल्डर वायर, ये कुछ इस तरह से आता है, ये 5 रुपये में आपको किसी भी हार्डवेयर की शॉप पर मिल जाएगा। उसके बाद हमें कील की ज़रूरत होगी, इस तरह की कुछ कील नॉर्मल घर में मिल जाती है, उसे हमें काट लेना होगा यहाँ से, जैसे मैंने इसे काट लिया है। इसको काटने के लिए आपको किसी कटर की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रिक नॉर्मल आप यहाँ के इस नॉर्मल आप इस कोने पर किसी नुकीली चीज़ को रखकर लोहे की जब ऊपर से हथौड़े वगैरह से मारोगे तो ये यहाँ से कुछ टाइम बाद कट हो जाएगी। तो मैंने भी इस तरह से इसे काटा है, तो इसे काटने में भी कोई खर्चा नहीं है। उसके बाद हमें एक इस तरह का वायर यूज़ होगा, इतना ये भी नॉर्मल घर में मिल जाता है। तो बेसिकली हमें एक लाइटर और सोल्डर वायर की ही सबसे मेन रिक्वायरमेंट है, तो उसके तो इस लाइटर का भी यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आप इस लाइटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको पहले इस पर बनाकर बता देता हूँ कि कैसे बनाना है। सबसे पहले हमें कील ले लेना है, ये इस टाइप की काट लेना है, जिसे यहाँ से जैसे मैंने काट रखी है। उसके बाद में हमें यहाँ पर कील पर इस वायर को थोड़ा सा लपेट लेना होगा या फिर कील को वायर से बांध देना होगा। यह हमने कील इसके वायर कील के अंदर वायर को लगा लिया है। उसके बाद में जो वायर का जो दूसरा एंड है, उस एंड को हमें जो लाइटर का जो ये पोर्शन है जहाँ से गैप है उसके अंदर से बाहर निकाल लेना होगा कुछ इस तरह से हमें। और उसके बाद में इतनी हाइट पर जहाँ पर लाइटर की फ्लेम निकलती है, इतनी करीब इतनी हाइट पर जहाँ पर लाइटर की फ्लेम निकलती है वहाँ पर हमें इसको बैंड कर देना होगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा हमने वायर लगा दिया है इसके आसपास इसे। उसके बाद ये जहाँ से आग निकलती है उससे थोड़ी हाइट पर है ये, तो हम जब लाइटर चालू करेंगे तो ये इससे इसको गर्म करेगा, और फिर जब हम यहाँ से सोल्डर वायर को
गर्म करेंगे तो ये इस पे लग जाएगा और उसके बाद हमारी सोल्डरिंग मशीन का ये लाइटर काम करेगा। ये देखिए कुछ इस तरह से ये काम करेगा, ये इस तरह से काम करेगा। ये पहले इसको गर्म करेगा ये। तो फ्रेंड्स हमारी ये सोल्डर मशीन लाइटर से कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद हमें सिंपल सा सोल्डर वायर लेना है। तो ये हमारा सोल्डर वायर है, हम इसे निकाल लेते हैं बाहर। 5 रुपए में ये बहुत सारा मिल जाएगा हमें। उसके बाद हमें कोई भी वायर लेना है जिसे हमें जोड़ना है, तो मैं वायर ले लेता हूँ आपको बताने के लिए। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास 2 वायर है, हम इसे इस तरह से अभी लगा देते हैं। हमें इस पर टेस्ट करना है सोल्डरिंग हमने जो बनाई है वो वर्क कर रही है या नहीं। तो ये मैंने कुछ इस तरह से वायर को जोड़ लिया है। उसके बाद हम टेस्ट कर देखते हैं ये वर्क करती है या नहीं। पहले मैं इसे गर्म कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स ये हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं थोड़ा सा कैमरा पास में कर देता हूँ और आपको सोल्डर करके दिखा देता हूँ एक बार। हम इसको थोड़ा और गर्म कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये गर्म हो रहा है। अब देख सकते हैं इसके अंदर वो सोल्डर आ चुका है। अब हमें सिंपली इस पर लगा देना है कुछ इस तरह से। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, इससे सोल्डरिंग हो रही है, ये वर्क कर रही है। अब फ्रेंड्स मैं आपको इस लाइटर में किस तरह से हमें यूज़ करना है, कैसे बनाना है, तो मैं आपको सिंपल सा थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ। आप उसके बाद जो लाइटर है उसमें बना लीजिएगा। तो हम चलिए पहले अब इसमें देख लेते हैं हमें किस तरह से बनाना है। तो फ्रेंड्स हमने इस लाइटर पर तो देख लिया। अब हमें अगर इस तरह के लाइटर पर बनाना है तो वही वायर की ज़रूरत होगी और कील की, जिसे हमें यहाँ से काट लेना होगा। उसके बाद हमें इस कील पर हमें वायर को उसी तरह से जैसे पहले बांधा था उस तरह से बांध लेना होगा। और फ्रेंड्स हमें कील को यहाँ से काट लेना होगा, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। सेम वही सारी चीज़ें करना है। उसके बाद में हमें जो लाइटर लेना है, उस लाइटर में जो हमें यहाँ पर से जो गैप होती है और वहाँ से पीछे से बाहर निकाल लेना है। उसके बाद इस कील को इस हाइट पर रखने के बाद में यहाँ से इसे कील को घुमाने के बाद हमें इस पर इस तरह से इसे बांध देना होगा। तो फ्रेंड्स फिर हमें इससे इस तरह से कुछ रेडी कर लेना होगा और फिर सेम इसमें यहाँ से फ्लेम निकलेगी और ये कील गर्म होगी और फिर हम यहाँ से हम सोल्डरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये लाइटर से बनी हुई सोल्डरिंग मशीन की जुगाड़ पसंद आई होगी। फ्रेंड्स हम इस लाइटर से भी बना सकते हैं, जो मैंने आपको बताया छोटे लाइटर से उससे बना सकते हैं, दोनों सेम वर्क करेगा। इससे बनाएंगे तो बस थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, क्योंकि ये लाइटर थोड़ा सा महंगा आता है, मगर जो छोटा लाइटर है 10 रुपये का लाइटर उससे आराम से बन जाएगा। 10 रुपये का लाइटर और 5 रुपये की जो सोल्डरिंग वायर आएगी वो आपका काम मात्र 15 रुपये में हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मैं इसी तरह के वीडियो लेकर आता रहता हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर नीचे कहीं मेरी आईडी आ रही होगी। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और उसके पास में लगी घंटी को भी बजा दीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।